सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पा सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊंगी जिसे देखकर आप अपना ब्लाउज आराम से सिल सकते हैं सही तरीके से। ये मैं चेस्ट ले रही हूँ 45 to 50। इसमें आर्म होल कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है, लेंथ कितनी रखनी है, ये मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगी। ये हमने अपना मेजरमेंट लिखा है, चेस्ट 45 to 50, वेस्ट 40, शोल्डर 13, लेंथ 16। इसके अकॉर्डिंग हम अपना ड्राफ्टिंग बनाएंगे। इसको साइड में रख देंगे। पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे, फ्रंट और बैक साथ साथ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 16 इंच है तो फ्रंट में हम 18 रखेंगे। यहां पर वेस्ट का फोर्थ भाग प्लस 2 इंच, एक इंच हम सिलाई के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच हम जो प्लेट डालेंगे उसके लिए। यहां से शोल्डर लेंगे अपने 6.5 इंच और जो हम आर्म होल रखेंगे वो भी हम 6.5 इंच ही रखेंगे क्योंकि जो हमारी ब्रेस्ट हैवी होती है ऊपर से, तो यहां से फिर जब हम हमारा यहां से ये एरिया बढ़ जाता है और जब हमारा ये एरिया बढ़ जाता है तो आर्म होल हमें छोटा ही रखना चाहिए जिससे कि हमारी जब प्रॉपर ब्लाउज तैयार हो तो एकदम ओके हो। यहां से हम ब्रेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे, मेन चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि अगर हमारी 50 चेस्ट है तो 50 में हम अपना जो हमारा ये तीरा है ये हम 13 इंच रखेंगे, 13 इंच, और अगर हमारी 45 है तो हम इसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे यानी कि 45 से 50 तक हम 13.5 रखेंगे और अगर हमारी 50 से ऊपर है चेस्ट तो हम 13 इंच रखेंगे। इसी तरह आर्म होल में अगर हमारी 45 है तो हम यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे, अगर हमारी 50 से ऊपर है तो हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। मेन चीज हमारी ये है इसलिए मैंने आपको 45 to 50 तक का ये ड्राफ्टिंग बताई है। यहाँ पर हम ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसको इस तरह मिला देंगे। मिलाने के लिए हमने ये शेप वाला स्केल यूज किया है। 1 इंच हमारा सिलाई का होगा इसमें और 1 इंच हमारा जो अब हम इसमें आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। निशान हम 1.5 इंच पर भी लगाएंगे और 1 इंच पर भी लगाएंगे। ये जो हमने 1.5 इंच पर लगाया है ये हमारा बैक के लिए होता है और जो हम 1 इंच पर लगाएंगे वो हमारा फ्रंट के लिए होता है। इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे 1/2 इंच का बाहर की साइड। ये हमारी शेप होगी फ्रंट के पोर्शन में। इस तरह ये हमारी 1/2 इंच की शेप हम यहाँ पे फ्रंट के पोर्शन में देंगे।
जिससे हमारे आगे का जो आर्म होल है उसकी फिटिंग अच्छी आए। और ये हमारा बैक साइड है, ये मेस की जो गोलाई है ये अंदर की साइड ही देनी है। अब हम इसमें नेक रखेंगे। नेक हम वैसे तो रखते हैं चेस्ट का 12वां भाग, लेकिन इसमें 12वां भाग हमारा कुछ ज्यादा होगा, यानी कि चौड़ा नेक इसका बड़ा ब्रॉड बनेगा, इसलिए हम इसमें केवल 3 इंच का या इसमें हाफ से भी कम ऐड कर लेंगे। और लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। क्योंकि अगर हम यहाँ से ज्यादा ज्यादा चौड़ाई लेंगे तो हमारा जो नेक है वो आगे की तरफ झुकेगा और शोल्डर भी फिट नहीं आएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच की शेप करेंगे। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। हमारा जो प्लेट का मेजरमेंट है, अगर चेस्ट भारी है तो हमारा ये 11 इंच पर आएगा नीचे। 40 से जो ऊपर लेते हैं हम वो 10 पर लेते हैं, और 45 से जो नीचे लेते हैं वो हम 11 इंच पर लेते हैं प्लेट। तो ऊपर से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लेंगे 4.5 पर। ये हमारी बीच में आएगी, यहाँ पर भी 4.5 पर निशान लगा लेंगे और इसको हम मिला देंगे। अब हमें ये दो साइड की प्लेट डालनी है और एक ऊपर की प्लेट डालनी है। तो साइड की प्लेट के लिए हम 1.5 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। और जो ये बीच वाली हमारी प्लेट है इसमें हम 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। जो हम सिलाई लगाएंगे इस प्लेट में वो हम यहां तक लगाएंगे, 1/2 इंच यहां से, 1/2 इंच यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे हम। यहाँ पे जो हमने 1 सेंटीमीटर कम किया है, 1.5 इंच हमने इस साइड छोड़ दिया है और 1.5 इंच हमने इस साइड छोड़ दिया है। निशान लगा लेंगे, यहाँ पर हम सीधा निशान लगाएंगे प्लेट का। यहाँ पर भी 1/2 इंच पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमने ये 5 इंच पर निशान लगाया है प्लेट के लिए। ये वाली प्लेट हम यहाँ से यहाँ लेंगे। इसमें भी 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह। अब हमें यहाँ की प्लेट लेनी है अपनी। यहाँ पर हम ये जो हमारा गोलाई है हमारी, यहाँ से प्लेट लेंगे 3.5 इंच की। ये हमने यहाँ पर 3.5 इंच की प्लेट ली है। इसमें भी हम सिलाई इसी तरह लगाएंगे, 1/2 इंच 1/2 इंच, और इसको मिला देंगे। वेस्ट मैंने इसकी अंदाज से ली है। आप जब ब्लाउज का नाप लें तो वेस्ट का नाप और चेस्ट का नाप आप बॉडी से ले सकते हैं, और एक बार आप शोल्डर का नाप भी जरूर लें।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने दो पीस कट किए हैं, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है दूसरी साइड। इसमें हम प्लेट के निशान लगा लेंगे। इस तरह बैक में एक ही प्लेट आएगी। नेक अगर हमें बैक का और ब्रॉड रखना है तो आप ब्रॉड कट कर लीजिए, छोटा रखना है तो आप छोटा रख सकते हैं। ये हम पीस अपने अलग अलग कर लेंगे। और ये जो फ्रंट में हमने आर्म होल पर शेप की है वो भी अलग कर लेंगे कटिंग। इस तरह ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब बैक के लिए हमें अगर नेक थोड़ा ब्रॉड रखना है तो यहाँ पर एक जितना आपको चाहिए उतना निशान लगा लेंगे। ये हम 9 इंच का कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। यहाँ से हम इसको गोल या जो भी आप शेप में रखना चाहते हैं उसी शेप का अपना नेक कट कर सकते हैं। और जब हमारी ये सिलाई हो जाती है और हम ये नीचे से इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर आप नीचे पट्टी लगाकर इसको फोल्ड करेंगे तो आप यहां से बैक साइड 1 इंच कम कर दीजिए इस तरह। यदि आप नीचे से इस फैब्रिक को ही फोल्ड करना चाहते हैं तो हमारा ये बराबर रखना आप। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जब आप अपनी ब्लाउज पे फैब्रिक पर कट करेंगे तो फैब्रिक को डबल करें और अपनी ये ड्राफ्टिंग फैब्रिक पर इस तरह सेट कर दें और उसकी निशान लगाकर कटिंग कर लें। इस तरह मैंने ये आपको आज अपनी वीडियो में जो थोड़ी हैवी लेडीज होती हैं उनके लिए ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है और आर्म होल किस तरह रखा जाता है, नेक कैसे रखते हैं, प्लेट्स किस तरह रखते हैं, ये मैंने आपको आज अपनी वीडियो में बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।